डी न्यूज़ देख रहे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं सुखजिंदर रमाणा प्रोग्राम लोक मसले लैके हाज़र हाँ। अज का जोड़ा मसला है वह है कि जिस तरह सरकारी मुलाजम ने किसी भी अदारे जो बंद काम करते हैं और खुदा ना खासता किसी हादसे के जो जान चली जाती ऑन ड्यूटी तो उन्होंने परिवार की सुरक्षा ली आर्थिक सुरक्षा ली सरकार ने निजम बनाई होंगे कि उन्होंने सरकारी नौकरी या उन्होंने जगह पर जी है कोई ना कोई रुजगार दिता जाता है। पर पहला तो यही चलता सी लेकिन हौली हौली सरकार जड़िया इस जी सहूलत तो पिछे हट दिया गई तो जोड़े वह परिवार से उस जी अपने रुजगार के लिए अपने हकों के लिए अजे तक लड़ाई लड़ रहे हैं। सो यह जी एक संस्था हैगी है जी कि पंजाब राज बिजली बोर्ड जिस टाइम हूँ तो पावरकॉम के नाम इसको आप जानते हैं पर उस टाइम इसका नाम से पंजाब राज बिजली बोर्ड और बहुत पुराना मसला है। जिहड़े बिजली बोर्ड की एक जी नौकरी होंगी है वह हमेशा रिस्की होंगी है क्योंकि बहुत सारे जोड़े हादसे होंगे रेंगे ने तो जड़िया जाना जो मुलाजमान दी जा रिया ने। सो इस तरह की एक संस्था हैगी है मृत आश्रित तरस आधारित पंजाब राज बिजली बोर्ड यानी कि जेडे जे परिवार ने अपने हकों लड़ रहे उन्होंने ये एक अपनी जी बनाई हैगी है जथेबंदी और उस जथेबंदी के जे कार्यकारी प्रधान ने चरणजीत सिंह बठिंडा अज साडे इस प्रोग्राम के स्टूडियो हाजिर ने। चरणजीत जी बहुत बहुत स्वागत है। मैं काफ़ी जी भूमिका जी दसन की कोशिश की है हाँ। पर तुसी थोड़ा जा विस्तार नाल साडू साडे दर्शकों को यह दसो कि मसला की है कि जो तुहाडे हक ते जो डाका मारे कितों जी गल शुरुआत कितों होंदी है। ये शुरुआत सर बेसिकली जरा परमानेंट जॉब इन्होंने बंद करी है 2004 तो जी बट ये 2002 तो ही पॉलिसी वर्किंग लियाए थे जिन्हें काफ़ी बच्चों पर असर पड़ेगा पर 2004 तो बाद इन्होंने परमानेंट जॉब बंद करके एक विश्लेषण देना शुरू करता उखन पुखन 3 लाख रुपया और भी इन्होंने इस बिहाव से दिता से भी जो जॉब्स खुलियां तो तुम इस वापस करके अपनी जॉब ले सकते हो। अच्छा बट 2010 आते आते इन्होंने जो नौकरियां खोलियां दोनों ऑप्शन करती विश्लेषण एंड नौकरी सलूशन यानी कि वो जो 3 लाख का मुआवजा कह सकते हैं। हाँ जी तो उस बिहाव से बच्चे ने दोनों ऑप्शन सी और 2013 इन्होंने BBM जिहड़ा भाखड़ा डैम अपना बोर्ड है उन्होंने फॉलो करते हुए इन्होंने नौकरी ही देती विश्लेषण भी बंद करता। ठीक है जी साड़ी इन्होंने 2006 तो लैके 2010 तक कोई सुनवाई नहीं की 3 लाख दे के इन्होंने सानू टालता साड़ी बंद। पहला मैं तुम्हें रोक के पूछना चाहना कि तुहाडे परिवार दे विच किस तरह का जी त्रासदी हुई है किसकी मौत जी हुई किवें कितने नौकरी करते। मेरे पिता जी लहरे मब्बर थर्मल प्लांट काम करते मेरे चाचा जी नाल सीगे दोनों जी वह भी नौकरी करते। हाँ जी नौकरी करते 2005 दे विच वह ऑन ड्यूटी घर जा रहे थे घर नहीं पहुंचे डैथ हो गई सिराह जी तो साडा हक बनता नौकरी का पर सानू नहीं मिले। ठीक है जी हुण तुसीं अपनी गल अगे जारी रखो। इन्होंने ये पॉलिसी बनाई सी सर ये पॉलिसी बिल्कुल एक चिट्टा हाथी है जी ये कोई सच्चाई नहीं इन बंद करना पेगा किसी ना किसी टाइम बंद ही करना पेगा क्योंकि इन्होंने पंजाब राज बिजली बोर्ड ने पंजाब सरकार ने जी कोई भी होए मौके सरकार इन्होंने तोड़ मरोड़ के अपने बंदे इस विच सैट करते रहे हैं। तुसी इस पॉलिसी दौरान ही इन्होंने 35-36 बंदे चेयरमैन की स्पैशल पावर यूज करके सैट किए ने साढ़े डैथ केस यूनियन के और उस 35-36 बंदे इन्होंने सैटल करते टोटल किन्ने हकदार लोग ने जो लड़ाई हजे तक लड़ रहे सर 2012 से असं RTI पा के केस पता किए भी 812 तो सलूशन लै चुके थे 250 केस इस तरह से सलूशन नहीं लिया 50-60 केस इस तरह से अपलाई नहीं किया मतलब आप राउंड फिगर लाइए 6300 केस तो बंद है जी। अच्छा तो जी पॉलिसी बारे तुम दस रहे हूँ मौजूदा की पॉलिसी है। हुण तो सर 2013 तो बाद पक्की जॉब ही दे रहे हैं कोई मुलाजम डैथ होंगी है तो वो बच्चे नौकरी मिलती है साढ़े पिंड बहुत जन मिली है साढ़े पिंड 3 केस आ 2005 के 2 केस आ 2006 का 1 केस जिन्होंने अजे तक नौकरी मिली है ऑल ओवर पंजाब मुंडा बैठा जी असं पिछले लंबे समय तो 2002 तो असं पक्का टेंट बिजली बोर्ड के सामने लाई बैठे हैं सर्दी गर्मी मीह कणी असं उत्थे बैठे हैं धरने लाने हाँ जी पटियाला विखे पर साड़ी सुनवाई नहीं हुई साड़ी समय समय से इन्होंने साड़ी सगो यूनियन तोड़न की कोशिश की है लिखती दे के मुकरे ने असी बहुत मुजाहरे किए असी बहुत जुलूस कटे असी अलग अलग लीडर मिले पर साड़ी सुनवाई अज तक नहीं हुई जी 2 बार अं टैंकी चढ़े हैं भुख हड़ताल भी करने की कोशिश करी है सारा टेंट पट के लै गए सू बैठन नहीं दें दिता गया उ और 2 बार टैंकी चढ़े हैं पहली बार जो चढ़े हैं साड़ी जॉइंट फॉर्म आई मुलाजमान की उन्होंने मिस्टर अवतार सिंह कैन से वो साढ़े को आकर रिटर्न दे गया भी जदों कोई भी पॉलिसियां ज कोई भी नौकरियां अपन बिजली बोर्ड कढ़ता तो तुहानू तहसीलदारों स्पैशल कोटा दे के रखा जाऊगा थोड़ी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग बट उस तो ही मुकर गई पोस्टा निकलिया पोस्टा जे लैंडमैन भी लग गए जेई भी रखे गए कलर्क भी रखे गए बट साढ़े को अजे तक एक भी बंदा हट सक नहीं होया उस तो बाद फिर टैंकी चढ़े जी लॉकडाउन तो पहला साढ़े रिटर्न समझौता होया उदों अपने बिजली बोर्ड ना डायरैक्ट मीटिंग हुई सी महाराणी जिहड़े अपने MP प्रनीत कौर महाराणी जी पटियाले ने उन्होंने साड़ी मतलब सुनवाई की
बट उन्हां दी भी नहीं चली। अज बोर्ड सानू बिल्कुल भी इस वास्ते एंटरटेन नहीं कर रहा, नौकरी वास्ते सानू नहीं बुला रहा। इत्थे एक होर भी त्रासदी वाली गल है कि पिछे जे अमृतसर साहब दे विखे जिहड़ा उत्थे तरन तरन ज़िलों के जिहड़ा एक शराब दे नाल जहरीली शराब दे नाल मौतां होईयां, और उत्थे एक बड़ी बेशर्मी वाली गल है कि पोलीटिकल कुछ पार्टियां ने मंग कीती कि इन्हां नूं सरकारी नौकरी दित्ती जावे तरस दे आधार ते। तुसीं देखोगे एक तां बंदे जिहड़े सरकार दे लई, पंजाब दे लई, साडे सूबे दे लई अपनी जान वार दिंदे ने वख-वख महकमें दे विच अपनी नौकरी दे दौरान, उन्हां नूं तां उन्हां दे परिवारां नूं बिल्कुल न्यासरे छड़ दिता जाता है। और दूजे पास जो शराब के नाल मौत हुई उत्थे जी मंग की जाती है नौकरी की, और सरकार का भी तुम पक्ष देख लो, सरकार उन्होंने 5-5 लाख का मुआवजा दे सकती है, पर जे अपने आपदे ने जो महकमें लिए जो सेवा करते करते जी अपनी जान तो हथ तो बैठे उन्होंने परिवारों को सिर्फ 3 लाख का नगौना मुआवजा जरा पेशकश की जाती है। तुम ये देखने वाली गल है, सोचने वाली गल है। चरणजीत जी की वख वख पार्टियों को मुद्दा रख्या होना? हाँ जी, जिहड़ा पिछले भविख पास्ट के हाँ जी की तुहानू रवैया रहा दूजिया सारिया पार्टियां दा? चलो कांग्रेस की मौजूदा सरकार की गल सर 2004 के जो ये पॉलिसी लेके आए थे कांग्रेस सरकार से कैप्टन अपने मुख्यमंत्री से उन्होंने ये पॉलिसी लिया, साढ़े हक खोए। उदो बाद दो बार अकाली दल रह गए जी, उन्होंने साड़ी कोई सुनवाई नहीं की। हुण दोबारे कांग्रेस आई सी, सानू आस वधी सी भी साड़ी सुनवाई होए, पर इन्होंने भी साड़ी कोई सुनवाई नहीं की। जो इलैक्शन एम पी इलैक्शन से असी स्पैशल महाराणी प्रनीत कौर जी मिले थे 1 मई को मजदूर दिवस वाले दिन, बहुत बड़ा इकट्ठ किया असी, और असी उन्होंने समर्थन दिता से, असी उन्होंने बेनती करी सी सानू नौकरी में साड़ी हेल्प करो। जितों तक उन्होंने पहुँच लड़ी उन्होंने लड़ाई, पर उन्होंने भी सुनवाई अगे नहीं हुई जी। बोर्ड बिल्कुल नहीं मन रहा किसी की भी, कुछ डायरैक्टर ने कुछ इन्होंने प्रबंधक ने जोड़े साड़ी सुनवाई नहीं कर रहे, साड़ी पॉलिसी की नौकरी के पॉलिसी खड़ी है उसमें नहीं तोड़ रहे जी। चरणजीत जी होर जत्थेबंदियों सांझ नहीं पाने की कोशिश की कि उन्होंने साथ लिया जाए, उन्होंने सहयोग लिया जाए? ये सर जी कोई बंदा किसी बंद का प्यो ना मरे, पहली गल तो जो साढ़े प्यो चाहता है वो वोट पाँदे जत्थेबंदी के, वो तो उन्होंने लोड़ सी, जो मर गए उन्होंने वोट खत्म हो गई, जत्थेबंदे ने हाथ चकते, सिर्फ भोग तक ही इन्हों का काम से, उस तो बाद काम खत्म हो गया, उस तो बाद इन्हों का काम खत्म हो गया। गुरु नानक जथेबंदी है थर्मल प्लांट की, लहरे बाबा की थर्मल प्लांट की है, रोपड़ थर्मल प्लांट की है, बहुत असं अप्रोच की है जी, मेहनत कड़िया ने, बट साड़ी बाँह नहीं फड़ी किसी ने। पहली गल तो यही देखो भी 2010 के पॉलिसी तोड़ रहे उदो इन्होंने क्यों नहीं मंग रखी भी 2002 तो ही तोड़ी जाए पॉलिसी, जो मगरले केस आ उन्होंने भी नौकरी दिती जाए। ये कहन 1200-1300 केस ने, बट जो असं इकट्ठे होंने तो 300-400 बंदा इकट्ठा होंगे भी, 300-400 बंद रिक्वायरमेंट जी ज़्यादा अच्छी नौकरी की, भुखे मर रहे हैं, उन्होंने मावं भी मर चुकिया ने, उन्होंने मावं मरन नाल पेंशन भी बंद होगी जी, मुलाजमान के बच्चे दिहाड़ी करने लिए मजबूर ने, बहुत ही दुखदायक पहलू है। और इतने एक चीज़ होर देखने वाली है कि जो मसला है लोगों को भी ज़्यादा नहीं पता, क्यों? क्योंकि यह मीडिया के नहीं आया, तो मीडिया के क्यों नहीं आया? हो सकता कोई गिनतियां मिनतियां जिवें इन्होंने कहा कि 300-400 बंदे का मसला है, ज यह सारिया चीज़ा जड़िया ने यह देखे, मतलब कि मीडिया भी हो सकता है मेन तोल करता हुआ इस चीज़ की, और पोलीटिकल पार्टियां बाकी इन्होंने पहला कहा कि जत्थेबंदियों ने भी बाँह नहीं फड़ी, तो पोलीटिकल पार्टियां तो आप किस तरह उम्मीद कर सकते हैं जिड़िया कि वोटों की गिनती मिनती के हिसाब न ही अपने मसले में जोड़ा वो हैंडल कर दें? बई जी एक तुम्हें सवाल यह करना से कि हूँ जो जो पोलीटिकल पार्टियां तो जिस तरह तुम छिथे पै गए हो, क्योंकि किसी ने बाँह नहीं फड़ी जत्थेबंदियों तो तुम छिथे पै गए हो, किसी ने बाँह नहीं फड़ी, उम्मीद किस तो है? सर जी असी लास्ट उम्मीद जी लाई है आम आदमी पार्टी तो लाई है जी, अपने LOP नेता हरपाल चीमा जी ने असं मिले, अमन अरोड़ा जी ने मिले, मीत हेर जी ने मिले, साढ़े इलाके के रविंद्र कौर रूबी जी, बलजिंद्र कौर जी ने मिले, इन सारे ने सानू आश्वासन दवाया भी तुहाडा मुद्दा असीं विधानसभा चुकांगे। मौके के जिहड़े बिजली मंत्री उह कैप्टन ने खुद CMP ने और कैप्टन ने, जे उन्होंने तो जवाब मिलता सानू भी सानू नौकरी क्यों नहीं दे रहे, साढ़े नौकरी देने च की दिक्कत, फिर सानू उम्मीद आया भी शायद सानू नौकरी मिल सके, और ये RT पाई गई थी पीरमल जी वालों, पीरमल जी वालों RT पाई गई थी, बट उत्थे इन्हां नूं ना नॉलेज होने करके कैप्टन साहब नूं इन्हां ने सानूं जवाब दिता भी ओनली 69 केस ने, 69 केस ने जिहड़े कि पेंडिंग ने, वो 69 केस 2019 दे ने जी, पुराने केसां नूं वो गिनती च नहीं लै रहे, वो सही मैसेज कन्वे नहीं किया जा रहा विधानसभा तक, कैप्टन साहब तक, बिजली बोर्ड द्वारा, बिजली बोर्ड लुको रख रहा है, यानी कि पुराने केसां ते एक तरह की ओचा फिरन की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, तो जिस तरह तुम्हें कहा कि हम जी विरोधी पार्टी आम आदमी पार्टी उस तो सू उम्मीद लगती है? हाँ जी, पूरी पूरी उम्मीद। तो ये किमें विश्वास कर ना कह सकते हो कि उम्मीद लगती है? पहली गल तो सर वो कहते भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करा तो हक च, फिर विधानसभा मुद्दा चुका, हाँ जो उत्तर कैप्टन साहब पूछा गया सू आस भी सू जवाब चंगा जवाब मिल पाए जी, और असं भी उम्मीद करते हैं कि जोड़ा ये मसला है जो ये हल होना चाहिए और तुहाडा जिहड़ा हक है तुहानू जरूर मिलना चाहिए। सो आने वाले प्रोग्राम के भी असी ऐसे जे मसले लैके, ऐसे जे मुद्दे लैके जिहड़े लोगों के नाल जुड़े हुए हैं, जिहड़े कि अणगौले हुए हैं, उन्होंने लैके फिर हाजिर होवांगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।